बा तारीखी बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर योर चैप्टर डॉट पी के रिप्रोडक्शन तारीख से अगर आप लोग लिविंग थिंग्स को देखें तो इन तमाम में एक लाइफ है यानी दे ऑल हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस और अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगी तो वह अपनी नेक्स्ट जनरेशन को या अपने अर्थ पर सर्वाइवल को कंटिन्यू नहीं कर सकती सो दैट्स वाई रिप्रोडक्शन को वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द लिविंग थिंग कंसिडर किया जाता है अगर मैं रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन की बात करूं तो रिप्रोडक्शन इज़ डिफ़ाइंड एज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म जब अपना न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है जो कि उसके जैसा होता है उसको हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं अब ये रिप्रोडक्शन किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के यानी कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन रेट ज़्यादा होगा इट मीन्स कि उसका अर्थ पे सर्वाइवल का चांस ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू अदर जिनके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं हो रही या अगर हो रही है तो बहुत कम हो रही है अब हम लोग कहते हैं कि हमारे पास रिप्रोडक्शन तो हो रही है लेकिन रिप्रोडक्शन कौन कौन से टाइप्स में एग्जिस्ट करती है तो बेसिकली रिप्रोडक्शन टू टाइप्स की होती है एक होती है सेक्चुअल रिप्रोडक्शन सेक्चुअल रिप्रोडक्शन में यू शुड रिमेंबर कि इसमें दो स्पीशीज इन्वॉल्व होती हैं यानी एक स्पीशीज जो कि स्पर्म डोनेट करती है उसको हम मेल कहते हैं दूसरी स्पीशीज जो कि एग प्रोड्यूस करती है उसको हम लोग फीमेल कहते हैं सेक्चुअल रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जिसके अंदर दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं टू प्रोड्यूस एन ऑस्प्रिंग जबकि दूसरी जो होती है वो होती है एक सेक्चुअल रिप्रोडक्शन ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली ये वो रिप्रोडक्शन होते हैं जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपनी आइडेंटिकल कॉपी क्रिएट कर देते हैं यानी अपना क्लोन क्रिएट कर देते हैं तो अगर मैं ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन की बात करूँ तो ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन में आपको सिर्फ एक सिंगल पेरेंट चाहिए होता है और वो पेरेंट अपनी ही आइडेंटिकल कॉपी क्रिएट करता है विद द प्रोसेस नॉन एज माइटोसिस माइटोसिस आप लोग आने वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे अगर मैं आपको इसका ब्रीफ़ ओवरव्यू दूँ तो माइटोसिस उस एप्लीकेशन या उस सेल डिविजन को कहते हैं जिसमें एक सेल दो आइडेंटिकल कॉपीज में डिवाइड हो जाता है जैसे बैक्टीरिया 20 मिनट्स में दो आइडेंटिकल कॉपीज में डिवाइड हो जाता है और जो न्यू प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होता है वो आइडेंटिकल होता है अपने ओल्ड वन यानी अपने पेरेंट से सो so दैट्स जो माइटोसिस की वजह से इन न्यू प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जेनेटिक मेकअप यानी नंबर ऑफ क्रोमोजोम एग्जैक्टली सेम होता है एज टू पेरेंट अगर हम ए सेक्चुअल की टाइप की बात करें तो ए सेक्चुअल में आपके पास फिशन फ्रेगमेंटेशन बडिंग वेजिटेटिव प्रोवगेशन पार्थेनोजेनेसिस पोस्ट फॉर्मेशन ये तमाम टाइप्स जो हैं ये आपकी ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन करती हैं और हमेशा याद रखें कि ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गेनिज्म या जो न्यू बेबी प्रोड्यूस होगा वो अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल होगा जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है बाइनरी फिशन बाइनरी फिशन ज्यादातर तो बैक्टीरिया में कॉमन होते हैं इसमें एक बैक्टीरिया बीच में से इस तरह डिवाइड होता है और डिवाइड होकर दो न्यू इंडिविजुअल्स क्रिएट कर देता है फिर फ्रेगमेंटेशन इसको हम लोग रीजनरेशन भी कहते हैं इसके अंदर बेसिकली एक ऑर्गेनिज्म के अगर हम लोग थ्री पार्ट्स करते हैं जैसे अगर आप अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड कर दे तो हर पार्ट जो होता है वो अपने आप को ग्रो करवाता है इनटू द न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर बडिंग का प्रोसेस होता है बडिंग बेसिकली जेलिफिश या लो ऑर्गेनिजम्स वगैरह में होती है इसमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म अपनी एक स्मॉल लिविंग पार्ट या स्मॉल ऑर्गेनिज्म को अपने साथ जो होता है वो ग्रो करवाता है और वो उसके साथ अटैच होता है और जैसे ही वो ऑर्गेनिज्म मेच्योर होता है वो उससे बर्ड ऑफ हो जाता है और ये जो है ये आगे एक न्यू इंडिविजुअल में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा और अपने एक न्यू लाइफ स्टार्ट कर देगा फिर उसके बाद आती है स्पोर फॉर्मेशन स्पोर फॉर्मेशन वो ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन को कहते हैं जिसके अंदर जो इंडिविजुअल होता है वो अपनी अनफेवरेबल कंडीशन में अपना एक स्पोर्ट प्रोड्यूस करता है और ये स्पोर जब किसी फेवरेबल कंडीशन में जाकर लैंड करता है तो वहाँ पर उसी इंडिविजुअल को दोबारा से ग्रो करवा देता है फिर हमारे पास आती है पार्थिनोजेनेसिस पार्थिनोजेनेसिस में एक ऑर्गेनिज्म की प्रोडक्शन होती है और वो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो प्रोड्यूस होता है विदाउट द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड देन वी हैव द वेजिटेटिव वेजिटेटिव एज ए नेम शो कि ये मोस्टली जो होता है ये हमारे पास प्लांट्स के अंदर होते हैं देन फिर हम बात अगर इस सेक्चुअल की करें तो इसल के अंदर सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व था जबकि अब सेक्चुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो न्यू ऑर्गेनिज्म होगा उसके पास एक यूनिक सेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा जो कि उसको एनवायरनमेंट में न्यू वराइटीज़ देगा एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए एनवायरनमेंट में अडेप्ट करने के लिए न्यू एंड यूनिक करेक्टर देगा सो दैट्स वाई जब ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन होती है तो उसके अंदर जो यंग वन प्रोड्यूस होते हैं वो अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल तो नहीं होते लेकिन सिमिलर होते हैं तो ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो हमने सेल डिवीज़न की थी वो हमारे पास माइटोसिस थी जबकि सेक्चुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो सेल डिविज़न होगी उसमें हम लोग म्योसिस कहेंगे म्योसिस क्यों होगी इसको समझने के लिए आप इस डायग्राम को देखें अगर लेट सपोज करें कि एक ह्यूमन जो है वो उसके पास 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं और अगर वो अपने न्यू बेबी को भी 46 दे और उस न्यू बेबी को अपनी मदर से भी जो है वो फोटी सिक्स नंबर ऑफ़ क्रोमोजोम ही मिले तो उसके पास जो न्यू नंबर ऑफ़ क्रोमोज़ोम होगा वो आपके पास नाइन्टी टू हो जाएगा और नाइन्टी टू न्यू नंबर ऑफ क्रोमोजोम अगर फर्दर अपना यंग वन प्रोड्यूस करेगा तो वह एक और न्यू जो होगा वह सेट ऑफ़ क्रोमोजोम होगा यानी कि हर दफ़ा क्रोमोज़ोम ऐड होते जाएंगे और एक जनरेशन के बाद जो नई जनरेशन होगी वो कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाएगी सो दैट्स वाइल क्योंकि इसमें दो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व हैं तो हर ऑर्गेनिज़म हाफ सेट ऑफ क्रोमोजोम डोनेट करते हैं और जब एक न्यू बेबी को दोनों की तरफ से हाफ सेट ऑफ क्रोमोजोम मिलता है तो वो हाफ सेट ऑफ क्रोमोजोम उसके अंदर क्रोमोजोम को रिटेन कर देता है जैसे अगर आपको अपनी मदर से ट्वेंटी थ्री मिले और अपने फादर से भी ट्वेंटी थ्री क्रोमोजोम मिले तो आपके पास फोर्टी सिक्स हो जाएगा जो कि हर इंडिविजुअल का नंबर ऑफ क्रोमोजोम होता है सो दैट्स वाई इन हाफ सेट ऑफ क्रोमोजोम को प्रिपेयर करने के लिए जो सेल डिवीजन होती है उस सेल डिवीजन को हम लोग म्योसिस कहते हैं और म्योसिस के अंदर आपके पास जो गेमिट्स प्रोड्यूस होते हैं यानी ऐसे डॉक्टर न्यूक्लाइड जिसके अंदर हाफ सेट ऑफ क्रोमोजोम्स हों इनको हम लोग गेमिट्स इनको हम लोग गेमिट्स या हेप्लॉड सेल्स भी कहते हैं फिर उसके बाद इसी वजह से जस्ट बिकॉज ऑफ़ द म्योसिस आपके पास आपके मदर और फादर से एक डिफरेंट सेट ऑफ क्रोमोजोम आते हैं और उन क्रोमोजोम की रिश्फलिंग की वजह से आपके पास कुछ ऐसे कैरेक्टर्स प्रोड्यूस होते हैं जो आपको आपके पेरेंट्स या आपके इवन बहन भाइयों में भी नज़र नहीं आते ऑल दो आपके सिबलिंग्स और आप जो है वो सेम पेरेंट्स या सेम क्रोमोजोम डोनेटिंग पेरेंट्स को जो है वो शेयर कर रहे होते हैं सो दैट्स वेट जस्ट बिकॉज ऑफ द मियोसिस सेक्चुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो आपके लिविंग थिंग प्रोड्यूस होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं इवन दो उनका जो डीएनए होता है वो नाइनटी नाइन परसेंट आइडेंटिकल होता है इसलिए अगर आप एक बेबी एक कैट के बेबीज़ को देखो तो वो जो कैट के बेबीज होंगे वो आपस में भी जो है उनके पास एक यूनिक पैटर्न होगा कलर का स्किन का एंड इवन बिहेवियर का तो ये यूनिकनेस जस्ट बिकॉज ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आती है फिर उसके बाद हम बात करते हैं क्लोनिंग टेक्निक की क्लोनिंग टेक्निक क्लासिकल एग्जाम्पल है एक सेक्चुअल रिप्रोडक्शन की वी ऑल नो कि हम लोगों ने मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा कि एक इंडिविजुअल अपनी आइडेंटिकल कॉपी जो होता है वो क्रिएट कर देता है अपना अपना लुक अलाइक आइडेंटिकल ह्यूमन क्रिएट कर देता है तो क्योंकि वो आइडेंटिकल होता है तो आइडेंटिकल के अंदर जो होता है वो ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन होती है और वो ऑर्गेनिज्म ए सेक्चुअली जो होता है वो अपने आप को आइडेंटिकल क्रिएट कर देते हैं फिर उसके बाद हम लोग जो ये रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं चाहे वो सेक्चुअल रिप्रोडक्शन हो या चाहे ए सेक्चुअल रिपोर्डक्शन हो ह्यूमन इन दोनों को मैनिपुलेट करने की कैपेबिलिटी रखता है अपने बेनिफिट्स के लिए जैसे अगर आप लोग पोल्ट्री चिकन्स को देखें तो जो पोल्ट्री चिकन्स के अंदर ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस है या जो चिकन की वराइटी प्रोड्यूस हुई है उसके अंदर ऐसे करैक्टर्स ह्यूमन ने इंट्रोड्यूस करवाए वो जो कि उसके लिए फेवरेबल थे यानी कि ऐसे चिकन या ऐसे पोल्ट्री के अंदर चिकन प्रोड्यूस किए हैं जो ज़्यादा मीट देती हैं और जो जो है वो जल्दी से जो है वो टेंडर हो जाती हैं और या उनको जो है वो ग्रो करने के लिए कम टाइम पीरियड रिक्वायर्ड होता है तो चाहे ए सेक्चर हो या चाहे रिप्रोडक्शन हो दोनों को ह्यूमन जो होता है वो मैनिपुलेट करते हैं और अपने बेनिफिट के लिए डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को क्रिएट करते हैं जो कि उनके डिजायर करेक्टरिस्टिक्स को होल्ड करते हैं तो इस तरह से रिप्रोडक्शन जो है वो हमारे लिए इतनी जरूरी भी है और फिर इस रिप्रोडक्शन का एक ही पर्पज़ होता है कि वो ऑर्गेनिजम्स का लाइफ पे सर्वाइवल या लाइफ पे कंटिन्यू करने के प्रोसेस को पॉसिबल बना